महाराष्ट्र में बीते दिनों भाजपा और एनसीपी के बीच नजदीकी और दूरी दोनों देखने को मिली। अजित पवार गुट ने जहां बीजेपी से हाथ मिलाया, वहीं शरद पवार गुट ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन सब के बीच पीएम मोदी, शरद और अजित पवार तीनों एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। पीएम को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने शरद पवार को चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन भेजा है, जबकि उनके भतीजे और मौजूदा डिप्टी सीएम अजित पवार गेस्ट की लिस्ट में शामिल है। यह कार्यक्रम तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने कहा, हम 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तिलक ने आगे कहा, पीएम मोदी के अच्छे नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गेस्ट लिस्ट में है। पीएम का ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र में जो राजनीति बदलाव हुए उससे सभी हैरान रह गए थे। अजित पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। अजित पवार ने तुरंत डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजित को गद्दार कहा जाने लगा। शरद पवार गुट के समर्थकों ने उनके पोस्टर फाड़े। इसके बावजूद अजित ने एनसीपी पर अपना दावा किया। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।